मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, अर्थात एक इंसान की हार तब होती है जब तन से पहले उसका मन हार जाता है। नमस्कार, बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के जरिए आपके आने वाले भविष्य के बारे में जानेंगे। उसके पहले क्या आपको पता है कि कल माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को कैसे करनी चाहिए। व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। नहा कर भगवान शिव का ध्यान करें। इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद से बचे, अब शब्द ना बोले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से एक घंटा पहले नहा कर पूजा करनी होती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत फलदायी होता है। और अब राशिफल का रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आप माता पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। जीवन साथी के बीच असमंजस बना रहेगा। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी। आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, लेकिन काम की व्यस्तता बढ़ी रहेगी। और अब बात करते हैं वृष राशि की। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन होने के संकेत हैं। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मंदिर में सफेद चंदन का टुकड़ा दान करें। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। 3 फरवरी का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है। आपको कोई अच्छी खबर मिलने के साथ ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसर से जुड़े हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी होने के योग है। व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। मंदिर में घी का दीपक जलाए आपकी मेहनत रंग लाएगी। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की और जानेंगे 3 फरवरी का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। कारोबार संबंधी यात्रा का योग बन रहा है। जल्द ही आपको ज्यादा धन लाभ होने की उम्मीद है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप उनकी पसंद का कोई गिफ्ट दे सकते हैं। दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम टल सकता है। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए। सेहत के लिहाज से आपको तली भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए। जरूरतमंद को कपड़े दान करें, आपकी सभी परेशानियां दूर होगी। और कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसा कमाने का नया जरिया भी मिलेगा। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मां लक्ष्मी को सिंदूर का तिलक लगाए आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की और जानेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। 3 फरवरी का दिन शानदार रहेगा। आप कोई जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएगी। साथ ही रुका हुआ धन मिल सकता है। कार्य क्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद ले। दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। आपका दिन मिला जुला रहेगा। मित्रों से बेहतर सलाह मिलने से आपका काम आसान हो जाएगा। साथ ही सेहत बढ़िया रहने से आपका मन काम में लगा रहेगा। आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचेंगे। आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। किसी जरूरतमंद को चावल दान करें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके अपनाने से आसानी होगी। घर पर मेहमानों का आगमन से आपकी डेली रूटीन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग है। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। गाय को रोटी खिलाए घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि की। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है। उन्हें काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आपके करियर में बदलाव लाने में सफलता होगी। आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। मंदिर में दही दान करें, आपके सभी काम बनेंगे। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की।
आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों से मदद मिलेगी। इस राशि के छात्रों को करियर के क्षेत्र में गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने से आप किसी बड़ी परेशानी से बचेंगे। कामकाज की अधिकता आपके सेहत पर असर डाल सकती है। मंदिर में इत्र की शीशी दान करें, आपके साथ सबका अच्छा होगा। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य से बेहतर रहेगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। इन राशि के विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आज शिक्षक का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें, आपको लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। आप कोई रचनात्मक कार्य करेंगे, साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शुभ है। मछलियों को दाना खिलाए, जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।